पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में उनकी जगह विधायक रामदास सोरेन हेमंत सरकार के 12वें मंत्री होंगे। उन्हें भी शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इसकी पुष्टि की है। अब चंपई सोरेन के पास जो विभाग थे वो अब रामदास सोरेन को मिलेंगे, यानी जेएमएम ने चंपई की जगह कोल्हान का नया टाइगर ढूंढ लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रामदास पार्टी के लिए वैसा काम कर पाएंगे जो चंपई सोरेन करते थे, ये तो वक्त ही बताएगा। चंपई सोरेन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर भी थी, मगर उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। चंपई ने खुलकर जेएमएम की कार्यशैली का विरोध किया। वो मंत्री पद पर काबिज रहे लेकिन अपनी ही सरकार को घेरते रहे। इतना सब होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने चंपई पर चुप्पी साधे रखी। हालांकि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में अब जाकर ये बात सामने आई है कि आखिर किन वजहों से हेमंत सोरेन ने चुप्पी साधे रखी थी। झारखंड मंत्रिमंडल में बने रहने के बावजूद चंपई सोरेन लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, मगर उन्हें ना तो कारण बताओ नोटिस मिला और न ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी और चंपई इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हेमंत सोरेन जेएमएम से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं ताकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके, मगर जेएमएम ने ये मौका चंपई सोरेन को दिया ही नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 30 अगस्त को चंपई ने रांची में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार चंपई सोरेन ने आम लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। चंपई ने कहा कि जेएमएम को अपने खून पसीने से सींचा और एक लंबे संघर्ष के बाद बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि जेएमएम में मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। चंपई ने कहा कि इस अपमान के बाद वो संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जनता का प्यार देख कर अपना फैसला वापस लिया। नया दल बनाने के बारे में सोचा लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए तय किया कि बीजेपी में शामिल हो जाए। कथित जासूसी प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी करवाई जाएगी। कोलकाता में इसकी जानकारी मिली कि मेरे पीछे जासूस भेजे गए हैं। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। ये बयान देकर चंपई ने जेएमएम और हेमंत सोरेन को खूब घेरा। आने वाला वक्त बताएगा कि चंपई के पार्टी से जाने के बाद जेएमएम को कितना नुकसान होता है। वहीं चंपई के बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद शिवराज ने कहा, चंपई सोरेन भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए अहम संपत्ति हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने का काम किया और परिणाम स्वरूप उन पर जासूसी शुरू कर दी गई है। चंपई सोरेन का अपमान किया गया, ये न केवल चंपई सोरेन का बल्कि पूरे झारखंड का अपमान है। उन्होंने आज भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है और हम उनका स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से यहां भाजपा को मजबूती मिलेगी। चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। जिन्होंने झारखंड के निर्माण में जी जान एक कर दिया और जनता की पूरी जिंदगी प्रमाणिकता और ईमानदारी से सेवा की, आज वो भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं।
मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की उससे झारखंड को मुक्त करेगी। हाँ, निश्चित तौर पर मिलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, कोर कमेटी में भी रहेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए अच्छी खबर है। चंपई के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार कमजोर होगा और वही जनाधार बीजेपी के साथ जुड़ेगा। इससे राज्य में बीजेपी की ताकत मजबूत होगी। आदिवासी वोट बैंक में चंपई की पकड़ मजबूत है और उनके दम पर बीजेपी राज्य में सत्ता हासिल कर सकती है। लेकिन राज्य में सत्ता हासिल करने के बाद क्या चंपई सोरेन फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।